क्या है कि फन टाइप कंटेंट है, तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप कुछ भी परचेज करते हो तो कोड आड्डा डालना मत भूलना, ये भूल गया था बट अभी हम ठीक है ना। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आफ्टर 3 या 4 मंथ्स मेरी चैनल पे मैं आज वीडियो बना रही हूँ। एक्चुअली मैं प्रेग्नेंट थी, दरअसल मेरे चैनल पे मैंने कोई पोस्ट नहीं किया, सौरभ के चैनल पे हम लोगों ने पोस्ट कर दी थी एक वीडियो बना के कि मैं प्रेग्नेंट हूँ वगैरह वगैरह। तो अगर आपको नहीं पता है, अगर आप लोगों में से कोई ऐसा भी देख रहा है जो सौरभ की चैनल को फॉलो नहीं करता है तो मैं बता दूँ, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। तो मैं ऑलमोस्ट 5 मंथ्स प्रेग्नेंट एंड इसीलिए डॉक्टर ने मुझे बोला था कि चेयर पे मत बैठना ये वो। एंड उसके बाद मेरी प्रेगनेंसी में बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आए जो कि हम लेटर डिस्कस करेंगे कभी, तो इसीलिए नहीं हो पाया। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा 1 महीने अराउंड हम लोग बहुत ज़्यादा दुखी भी थे, सैड, वेट लॉस हो गया वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। सो अभी हम ठीक है, कल से रिपोर्ट आया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, सो आई एम बैक। आई एम सो हैप्पी नाउ। एंड यस, बहुत ज़्यादा लॉन्ग इंट्रो हो गया, सो पहली बार बना रही हूँ इतने दिनों के बाद, सो आई एम फील लाइक कि आज मैं पहली रिकॉर्ड कर रही हूँ वीडियो, मेरा ये फर्स्ट वीडियो होगी प्रेगनेंसी। सो और तुमको पता है आज हम क्या करने वाले हैं? हाँ, एक्चुअली सुपर बोलर आया है तो उसी रिलेटेड हम एक नया चैलेंज वीडियो बना रहे हैं। हम लोग तो ये हमेशा करते हैं, मैं भी थोड़ा आ जाता हूं। ओके, सो सीन ये है कि सुपर बोलर आ चुका है और मैंने अनलॉक भी किया एंड मैंने, मुझे कुछ नहीं पता है क्योंकि मैं 3-4 महीने से सीओसी के बारे में कुछ नहीं पता मुझे। ठीक है, मैंने भी कम खेला है कि नहीं, बट जो भी है चलो। सो अभी हम क्या करेंगे टाउन हॉल 12 पे, क्योंकि 14 पे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वो तो टाउन हॉल 12 पे हम एक टाउन हॉल 12 मेरे लिए बहुत ज्यादा टफ है राइट नाउ। अरे इतना नहीं सोचा, लेकिन फिर देखो हमने इस चैनल में हमेशा क्या किया, एंटरटेन फॉर फन वीडियोस बनाते हैं। तो आज का ये है, दो टैक्स करेंगे, एक ये एक मैं, ऑब्वियसली जो हमेशा हम करते हैं। ड्रिल्स ये है कि हमें एटलीस्ट 5 सुपर बोलर्स यूज करने हैं, उसके साथ हम कुछ भी यूज कर सकते हैं वो हमारी मर्जी है। और जो सबसे ज्यादा स्टार्ट करेगा वो बोलर की जैसे ही है, मतलब उसका, हाँ मतलब उसका उसका जो, हाँ एक यूनिक फीचर उसका ये है कि उसका जो बोल्डर है वो डबल बाउंस करता है, मतलब नॉर्मल बोल्डर में 1 टाइम, इसमें 5 बार, दो बार, पागल कर दो, दो बार, ठीक है, मतलब 3 टारगेट को हिट करेगा, एक तो झाड़ गिरेगा फिर। ओके, सो जो सबसे ज्यादा स्टार्स या फिर स्टार्स में अगर टाइम हो तो परसेंटेज, वो सारे ड्रिल्स तुमको पता है। अगर तुम जीती तो पूजा भी आ रहा है बिल्कुल टीम में, एक अच्छा गिफ्ट मेरी तरफ से। और अगर मैं जीता, आईफोन ड्यू है बाय द वे, मैं याद दिला दूं। और अगर मैं जीता तो एज ऑलवेज मुझे कुछ नहीं मिलने वाला, मैं तुम्हें कुछ नहीं देती, नहीं देती वो, बट ठीक है चलो, ठीक है यहाँ पे क्या है तुम्हारा। ओके, सो शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन करेगा? सबसे पहले तुम करो, मैं तो देख लूं। मैं करूं? ओके चलो, फर्स्ट टाइम मैं करता हूं। ओके, तो मेरा टैग फर्स्ट है, मैं कैमरे के फ्रेम में ठीक ठाक हूं तो, हां या नीचे नहीं तो हूं, थोड़ा ऊपर रखो मुझे, ठीक है एकदम, मतलब दिखना चाहिए। ओके, सो सबसे पहले मैं अपनी आर्मी बता दूं, तो मेरी आर्मी कुछ ऐसी है, आप देख सकते हो गाइज। मैं ट्रेंड वार्डन वॉक के साथ बोलर्स, जैसे कि मैं टाउन हॉल 14 में कर रहा हूँ वही सेम टू सेम मैं करने वाला हूँ विथ लॉग लॉन्चर एंड गेटिस। अब यहाँ पे एक ट्विस्ट ये है कि टाउन हॉल 12 में रॉयल चैंपियन नहीं होता, तो वो एक बड़ा कैच है, उसको मैनेज करना पड़ेगा, बट कोई नहीं, फर्स्ट बेस जो भी आए उस पर हमें अटैक करना है, दैट्स द ड्रिल। आपको मतलब हमेशा से यही होता है। सो ये बेस मिला है मुझे, अरे यार ये टाउन हॉल 12 भी है और अच्छा खासा टफ बेस है, इतना आसान नहीं होगा। ओके, बट मेरे पास प्लान्स हैं, मेरे पास मेरे प्लान्स हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले मैं वार्डन वॉक से शुरू करूंगा एंड आई विल स्टार्ट फ्रॉम दिस साइड, ये आ जाएगा मेरा वार्डन यहाँ पे, परफेक्ट। नहीं देखो ना क्या फ़र्क है, 3 कर दूंगा अभी। क्यों? हाँ तो तुम तो जब तुम्हारा अटैक करोगी उससे बीच में तुम एक बार चेक कर लेना रिप्ले में जाके कि कैसा अटैक किया मैंने। ओके, सो ये चल रहा है यहाँ पे, एक काम करता हूँ, मेरे पास एक मिनियन है जिसको मैं यहाँ पे ड्रॉप कर देता हूँ, तो ये मिनियन ये लेग्जी कलेक्टर को थोड़ा डैमेज दे देगा। हम एक रेज, हम 3 रेज कैरी कर रहे हैं तो एक रेज हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। सो मेरा एक रेज जो है वो मैं यहाँ पे करूँगा, बट अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं, वार्डन को थोड़ा पुश करने देता हूँ। हाँ, अब वार्डन पे यहाँ पे एक रेज करेंगे हम। मीन वाइल हम जो हमारे 2 विचेस हैं उनको यहाँ पे विद द किंग हम बेस के बाहर रोटेट कराएंगे एंड हम वॉल ब्रेक करेंगे यहाँ पे, विल पुट द आइस कॉलम हियर एंड द सुपर बोलर्स फ्रॉम दिस साइड। लॉग लॉन्चर आ जाएगा, क्वीन आ जाएगी एंड हैवी गो, एंड हैवी गो गाइज, हैवी गो, कम ऑन। अर्ली एक रेज आ जाएगा,
अरे धो डाला है मैंने अभी इसको, टेंशन ना लो तुम। यहाँ पे एक वार्डन एबिलिटी मेरे को अर्ली यूज़ करनी पड़ गई यार, ये अच्छा नहीं हुआ, बट कोई नहीं, सब कुछ बढ़िया चल रहा है अभी तक तो। लॉग लॉन्चर के लॉग्स जो हैं वो काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं। यहाँ पे एक और रेज आ जाएगा, कमॉन, सब कुछ बेटर जा रहा है। यहाँ पे एक फ्रीज आ जाएगा, ओके, यहाँ पे आएगा एक जंप, ओके, एवरीथिंग इज लुकिंग गुड। कमॉन बॉलर्स, मरना मत, यस यस यस, बॉलर्स बहुत अच्छे से हैं। अरे 3 होगा यार, परसेंटेज का क्या सोच रहे हो तुम, क्या तुम हारोगे और क्या। हाँ, सो सब कुछ परफेक्ट है, येटीज अच्छे से टैंक मतलब डिफेंस को निकाल रहे हैं, सुपर बॉलर्स अभी मेरे को लगता है सारे बचे हैं, एक भी सुपर बॉलर नहीं मरा अभी तक, नहीं एक मर गया, यहाँ पे 2 सुपर बॉलर हैं, यहाँ पे एक 2 मर गया एक्चुअली। सुपर बॉलर मैंने 2 लिए थे, 5 लिए थे, मैंने बोला ना पहले कि एटलीस्ट हमें 5 सुपर बॉलर्स लेने हैं, एंड इट्स 3, बस अब टाइम की देरी है, 50+ सेकेंड्स अभी भी बचे हुए हैं अटैक पे। क्वीन एबिलिटी बची है मेरे पास, विचेस अपना काम कर रहे हैं, वार्डन मैक्स हेल्थ पे है, क्वीन की एबिलिटी बची है, और बॉलर्स अपना बोल्डर्स फेंके जा रहे हैं, तब से हो गया काम, हो गया कांड। एक सुपर बॉलर यहाँ पे अकेला जा रहा है विजिट टार पे, देखना इंटरेस्टिंग है कि क्या सुपर बॉलर विजिट टार को निकाल लेगा, ऑब्वियसली निकाल लेगा। और क्वीन की एबिलिटी यूज़ कर लेता हूँ, ना यूज़ करता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बट यस। और अच्छे मजाक में क्या हुआ है, टाउन हॉल 12 के लिए एक स्ट्रेटजी भी यहाँ पर रेडी हो चुकी है, आप लोग को पता चल चुका है कि कैसे करना है, और बेस ऑलमोस्ट मैक्स था, सीसी से भी इलेक्ट्रो ड्रैगन एंड लून्स निकले थे, तो सब कुछ सेट था, और हमने यहाँ पे ट्रिपल निकाल दिया, हाँ, विदाउट एनी टेंशन गाइस। अब तुम्हारा रिप्ले देखना है कि कैसा तुम मुझे, चलो अब आ जाओ, हाँ, ओके, सो अब मेरी बारी है, एंड आई मीन सुपर टेंशन कि पता नहीं इतने दिनों के बाद, 3-4 महीने के बाद मैं अटैक करूंगी। अटैक देखा? हाँ, एक बार रिप्ले में देखा, वहीं पे मैं थोड़ा सा, अच्छा चलो बेस मिल गया है, टाउन हॉल 12 है, डेड बेस है मेरे हिसाब से, नहीं डेड बेस नहीं है एक्चुअली। मैंने बहुत पहले, जब 3-4 महीने पहले खेलती थी, तब मैंने हाइब्रिड कर दी थी, तो मैंने वही सेम चीज़ें कॉपी की है, सिवाय माइनर एंड हॉग्स के मैंने सुपर बॉलर से रिप्लेस कर दिया। भगवान जी, हाँ ओके, सिंगल इन्फर्नो, मल्टी इन्फर्नो, ओके, सो टाइम स्टार्ट। सो यहाँ पे क्वीन वॉक से ही शुरू करूँगी मैं, लेकिन उससे पहले वहाँ पे क्या ड्रॉप किया था? हर बार जो चीज़ मेरे साथ होती है, इस बार भी वही हुआ, हीलर मेरे किंग के ऊपर चला गया। हाँ, तो किंग और क्वीन को इतना सामने ड्रॉप कर गई, तो यही होगा, वही हर बार होती है, हर बार मेरे साथ सेम हर बार होती है। पता नहीं कब ये चीज जाएगी मेरे, ठीक है, शांत होकर बाकी और अटैक पे फोकस है। बाकी अटैक और कुछ नहीं है, क्वीन मेरे मर गई है और कुछ बचा नहीं है वैसे, मतलब 3 नहीं होने वाला, नहीं अब किसी भी कीमत पे 3 नहीं होगी। सुपर बॉलर्स भी यहां वहां भाग रहे हैं, हां यहां पे मैंने क्लियर करती हूं तो शायद थोड़ा बच जाए, एंड मैं पता नहीं क्यों फ्रीज ये सब वगैरह ले आती हूं जब मुझे यूज ही नहीं करनी है। उल्टा साइड से क्यों अटैक किया? ईगल को लेना था क्वीन वॉक से दौरान, या फिर मल्टी इन्फर्नो को, इसलिए, लेकिन काम ही ऐसा किया, उलट पुलट हो गया सबके सब। ठीक है, अभी भी चांसेस है, सुपर बॉलर्स बहुत स्ट्रांग है, उनको अल्टरनेट मत करो। अच्छा, मतलब पूरा अटैक वेस्ट होने के बाद भी सुपर बॉलर्स खा जाते हैं, बस सुपर बॉलर्स को अच्छे से वो करो, अभी भी जंप है तुम्हारे पास, रेज है, स्पेल्स को अच्छे से यूज करो। वहां पे किस वजह से तुमने रेज किया? येतीज को, अगर वो ईगल को ले लिए तो अच्छा है, नहीं वाल तोड़ा हुआ है वो नहीं जाएंगे, बेकार तुमने वहां पे रेज वेस्ट कर दिया, पर बोलर्स पे दे दे तो काम आता। करते हैं हील, अब जंप कर दो ताकि बोलर्स अंदर आए, यहाँ पे करेंगे जंप, अंदर आ जाओ, तो मैं ही बचा रहा। वो तो है, लेकिन हर बार की तरह जो गलती मैं रिपीट पे रिपीट करती हूँ। चलो कम से कम 2 शॉट हुआ, हाँ 70% 2 शॉट हुआ है, 2 शॉट नहीं होता, नहीं एक्चुअली हमेशा मैं ये करती हूँ कि किंग के थोड़ा सा साइड में मैं क्वीन को ड्रॉप करती हूँ, एंड मेरे हीलर्स किंग के ऊपर शिफ्ट हो जाते हैं, तो 71% 2 स्टार, हाँ, एंड मैं हार चुकी हूँ लिटरली। तुम 3 स्टार और कहाँ मैं, बट एक चीज मैंने डिस्कवर किया है, क्या ये अटैक बहुत चलने वाला है, टाउन हॉल 12 बहुत चलने वाला है, लेकिन इसमें ना वार्डन वॉक थोड़ा सा बेहतर होगा, क्योंकि तुम फिर तुम्हें हील नहीं लेनी होगी, क्योंकि वार्डन ही अगर पूरा जो ट्रूप्स है उसके साथ अगर आ जाए तो हीलर भी। क्वीन वॉक का मकसद कुछ और होता है, ठीक है, चलो कोई नहीं,
ओके सो आज के लिए इतना ही, मैं बुरी तरह से हार गई इतने दिनों के बाद आने में, मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं हुई है, लेकिन मैंने खेला भी नहीं इतने क्या है कि फन टाइप कंटेंट है, तो अगर आप अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर सब्सक्राइब कर लो। एंड अगर आप कुछ भी परचेज करते हो तो कोड आधा डालना मत भूलना, ये भूल गया था बट अभी हम ठीक है ना, चलो मिलते हैं, बहुत बाय।